हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ AOR न्यूज, जिसमें हम बात करने वाले हैं सुपर हीरो वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो, अगर आप चाहते हैं कि आपको सुपर हीरो से जुड़ी सारी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं, तो आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं वीडियो बनाने से पहले सारी अपडेट्स वहीं पर देता हूँ, सो, जल्दी से जाकर फॉलो करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। सो, बात करते हैं सबसे पहली अपडेट की। तो सबसे पहली अपडेट है वेनम मूवी की तरफ से। तो वेनम मूवी ने पहले DC की जस्टिस लीग को और अब वंडर वुमेन मूवी को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है। वंडर वुमेन मूवी ने वर्ल्ड वाइड $821 मिलियन की कमाई की थी, वही वेनम मूवी ने $822 मिलियन की कमाई कर ली है और अभी भी ये सिनेमाज में चल रही हैं और बहुत जल्द ही ये स्पाइडरमैन होमकमिंग को भी पीछे छोड़ देगी। सो, इससे ये बात तो कन्फर्म है कि वेनम की सीक्वल मूवी भी जल्द बनेगी। अगले कुछ अर्ली रिएक्शन से एक्वामैन मूवी से। तो 26 नवंबर को इस मूवी की पहली स्क्रीनिंग की गई, जिसमें कुछ लोगों को आधे घंटे की ये मूवी दिखाई गई। जिन लोगों को ये मूवी दिखाई गई, उन लोगों ने एक्वामैन मूवी को DC की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी बताया है। इन अर्ली रिएक्शंस के अकॉर्डिंग मूवी में काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश एक्शन सीन हैं, वहीं इसके एडवेंचर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो देखते हैं कि DC की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करती है। वैसे इस मूवी के जितने भी रिव्यूज़ अभी तक आए हैं, वो सारे रिव्यूज़ पॉजिटिव रहे हैं। अगली अपडेट है कैप्टन मार्वल मूवी से। तो कैप्टन मार्वल मूवी की सेकेंड प्रीलूड कॉमिक बुक 6 फरवरी 2019 को ऑफिशियली रिलीज़ की जाएगी, जिसमें हमें कैप्टन मार्वल मूवी के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाएगा। अगली अपडेट है एवेंजर्स 4 के ट्रेलर को लेकर। तो काफ़ी दिनों से कहा जा रहा है कि एवेंजर्स 4 का ट्रेलर 28 नवंबर या फिर 29 नवंबर को रिलीज़ हो सकता है। इवन मार्वल इंडिया ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ये ट्वीट किया था, जिसमें यही लगता है कि ट्रेलर 3 दिन में रिलीज़ होने वाला है। इस ट्वीट को 26 तारीख को किया गया था, यानी कि उस दिन से 3 दिन गिने तो वो आता है 29 नवंबर यानी कि कल। और इंडियन टाइम जोन के हिसाब से कल सुबह 8 बजे लॉस एंजलिस में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की स्क्रीनिंग की जाएगी। सो, हमारे पास कुछ ही घंटे हैं, देखते हैं कि इस बीच मार्वल की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन आता है या नहीं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेलर को 28 दिसंबर को रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि उस दिन स्टैनली सर की जन्म तारीख है। लेकिन ये डेट काफ़ी दूर हो जाएगी, इसलिए जैसा कि ये रूमर है कि ट्रेलर को लॉस एंजलिस में हो रही स्क्रीनिंग के दौरान रिलीज़ किया जाएगा, या तो ट्रेलर कल रिलीज़ होगा या फिर इसे दिसंबर की 5 तारीख से पहले रिलीज़ किया जाएगा। क्योंकि अगर इसे लेट रिलीज़ किया जाता है तो फिर मूवी का प्रमोशन टाइम कम पड़ जाएगा। हाँ, वैसे एवेंजर्स 4 जैसी मूवी को प्रमोशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो, गाइज, वेट करो कल तक का, और अगर कल ट्रेलर नहीं भी आता है तो प्लीज़ थोड़ी शांति बनाए रखना और कोई हंगामा मत कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन, वी आर हीरोज़।